भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ। तो इसमें मैंने कुछ एक सर्च ऐड की है पार्शल मैचिंग के लिए, और इसमें और भी दो तीन चीज़ें ऐड की हैं, तो उसमें उसको भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस कोड को मैनेज करना इस करंट सिनेरियो में बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम यानी एक कंपोनेंट के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिएक्ट का एसेंस ये है कि हम उसको यानी जितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स में अपने पेज को डिफाइन करें उतना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम आज मैं आपको यही काम जो हमने किया है यही करेंगे, लेकिन उसके साथ हम मल्टीपल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक कंपोनेंट का नहीं करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो जाए तो फिर कुछ करेंगे इसके साथ और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये आपको आज सिखाना है, और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर आपको यानी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रह जाएंगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये मैं इधर बोर्ड पर लिख लेता हूँ और फिर वो हम करते हैं, और उसमें साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊँगा। ये मैं कुछ कर रहा था तो इस वजह से ये कर रहा था। इसको ये अगर आपके पास एक यानी वेब पेज है, तो मैंने कहा था कि इसको हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस टू डू लिस्ट ही की एग्जांपल ले लें और मैं आपसे कहूँ कि मैंने इसको डिवाइड करना है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में, तो इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक कंपोनेंट ये बेस कंपोनेंट होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, ऐप। यानी ये एक बेस कंपोनेंट है, इसको मेन भी लोग देते हैं, ऐप भी देते हैं। इसके अंदर एक हमने ये करना है कि यहाँ पर एक बटन बना देना है जिसका नाम है, जिसके ऊपर हम लिख देंगे ऐड। अब ये ऐड का जो बटन है ये एक अलग से कंपोनेंट में है, समझ आई है, ये अलग कंपोनेंट है, इसको हम फॉर एग्जांपल ऐड डॉट जी एस का नाम देंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट डिस्प्ले होगी यहाँ पे, जिसके अंदर ये लिस्ट आइटम्स होंगी। ये वही टू डू लिस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इसमें हम अलग अलग करके लिखते हैं। अब ये जो नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे लिस्ट डॉट जी एस, और ये जो इसके अंदर अलग अलग आइटम्स हैं ये जो नज़र आ रहे हैं ये भी आइटम डॉट जी एस की क्लास है। इन अदर वर्ड्स हमने इंडिविजुअल एल आईज के लिए भी क्या किया है, एक अलग से कंपोनेंट बनाया है पूरा। इसकी वजह ये है कि अगर हम कल को इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहें तो हम डायरेक्टली सिर्फ इस एक कंपोनेंट की स्टाइल चेंज कर देंगे, बाकी सारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस लेवल तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या यानी क्या है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमें इसकी मैनेजमेंट में कोई मसला ना हो। तीसरा, फिर इसके अंदर हम यहाँ पे एक रीसेट का बटन डालेंगे, ठीक है, और ये भी एक रीसेट का कंपोनेंट है, ठीक है। ये हमारा आज का काम है कि हम अपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को क्या करें, कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, इसका भी है। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी है, अगर हम कल को सर्च फंक्शनलिटी डालना चाहें इसी में, तो हम सर्च फंक्शनलिटी अलग से बना के उसके लिए अलग एक कंपोनेंट डाल देंगे, तो आपके लिए यहाँ पर सर्च इनेबल हो जाएगी। अगर इसके बाद हम इसके अंदर फिल्टर्स डालना चाहें, फिल्टर्स मतलब फिल्टर्स पेज नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहूँ कि मेरे कंप्लीट जॉब्स कितने हैं और इनकम्प्लीट जॉब्स कितने हैं, समझ आई है। तो ये हमें कैसे, यहाँ पर हम एक दो बटन्स डाल देंगे ऐसे, यहाँ पर एक बटन होगा फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर लिखा होगा कम्प्लीट, और ये होगा इधर लिखा होगा इनकम्प्लीट। अगर मैं इनकम्प्लीट पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वो वाले जॉब्स बताएगा जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि अभी कम्प्लीट नहीं हुए, और ये अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे सिर्फ वो वाले जॉब्स बताएगा जो कि ऑलरेडी कम्प्लीट हो गए। तो इस इन एल आईज के साथ यहाँ पर मुझे एक चेक बॉक्स चाहिए होगी ऐसे, ठीक है ना, इधर एक चेक बॉक्स होगी। अगर मैं इस चेक बॉक्स को क्लिक करता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जॉब कम्प्लीट हो गई है, और अगर अनचेक्ड है तो इसका क्या मतलब है कि ये अभी इसमें काम है। तो इसी के बेसिस पर हम इस पे फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करेंगे। तो आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि ये दो फिल्टर्स क्या होंगे, फिर ये एक अलग से कंपोनेंट में होंगे, समझ आई है। अगर हमने सर्च ऐड करनी है यहाँ पे तो ये सर्च का एक अलग से पूरा कंपोनेंट होगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कंपोनेंट्स डालते जाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे। फिलहाल तक इसकी समझ आई है। अब इसमें एक दो चार बातें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि अभी तक जो हम ये ऐप बना रहे हैं उसी के अंदर सारे फंक्शंस भी हैं, उसी के अंदर सारे HTML या JSX भी है, उसी के अंदर आपका स्टेट भी है, उसी के अंदर आपके सारे प्रॉप्स भी हैं, दस ही तो उसमें डेटा के पास कराने की ज़रूरत नहीं है किसी एक जगह से दूसरी जगह।
लेकिन अगर मैं आपसे अब इसमें पूछूं कि मैं स्टेट बनाना चाह रहा हूं, तो मैं स्टेट कहां पे बनाऊं? क्योंकि देखें, अगर मैं ऐड में स्टेट बनाता हूं, तो वो स्टेट किस कंपोनेंट का हिस्सा है? वो सिर्फ इस ऐड का हिस्सा है, इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर मैं उसको इस लिस्ट के अंदर बनाऊं, तो वो इस लिस्ट से बाहर नहीं आ सकता। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस लिस्ट को रिसेट करूँ, तो रिसेट के पास जो स्टेट है वो उसका स्टेट तो नहीं है, यानी इसका अलग स्टेट है लिस्ट का, और इस रिसेट का अलग स्टेट है। तो ये स्टेट इस को कैसे मैनिपुलेट करेगा या चेंज करेगा, समझ आई है? दूसरी बात ये कि अगर मैं ऐड करूँ, तो ऐड अगर मैं स्टेट इस ऐड के अंदर बनाऊँ स्टेट, तो वो तो इस स्टेट इस कंपोनेंट के अंदर ऐड होगा ना, वो यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? समझ आई कहने का मतलब? समझ आया है? तो अगर हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो फिर हमें स्टेट का ख्याल रखना पड़ेगा कि स्टेट हम कहाँ डिफाइन करें। और ये स्टेट इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यहाँ पे कि आप अभी आज 10 हैं, तो कल शायद 4 होंगे, 5 होंगे, और वो मेरी वो पूरी हो जाएगी। सही है, स्टेट का मतलब स्टेट का मतलब डेटा है, वो डेटा जो कि चेंज होगा, वो डेटा जो कि चेंज होगा उसको हम स्टेट कहते हैं। तो इस पूरी एग्जांपल में आपके ख्याल में स्टेट क्या है? लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो ऐड हो रहे हैं और वो ही डिलीट हो रहे हैं, तो इस केस में स्टेट ये लिस्ट है, समझ आई? अगर मैं एक बटन पर क्लिक करूं और उसके बेसिस पर एक पैराग्राफ शो हो रहा है, और मैं दूसरा बटन क्लिक करूं और एक दूसरा पैराग्राफ शो हो रहा है, तो ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो पैराग्राफ स्टेट वो डेटा जो कि आपकी वेबसाइट में चेंज हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको स्टेट कहते हैं। तो इस केस में क्या चेंज हो रहा है? ऐड का बटन चेंज होगा? नहीं। रीसेट का बटन चेंज होगा? क्या ये कंप्लीट और ये इनकम्प्लीट डेटा को चेंज कर रहे हैं किसी वजह से? नहीं, चेंज को नहीं कर रहे, सिर्फ फिल्टर कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इनको स्टेट्स नहीं कह सकते, सिर्फ इसको स्टेट कह सकते। अच्छा, तो स्टेट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि स्टेट जो है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी इसको हम बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई में भी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए ही रिडक्स आया है। ठीक है, रिडक्स क्या है? रिडक्स असल में एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट मैनेजमेंट टूल है। क्या चीज़ है? सेंट्रलाइज्ड स्टेट मैनेजमेंट टूल। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये आपकी ऐप है ना, स्टेट बाय ऐप बनाई यहाँ पे। अब इस स्टेट को मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट, और इसका इसकी वैल्यू है एरे, एम्प्टी एरे। अब अगर ऐड ने ऐड करना है, तो वो किसी से नहीं कहेगा, वो डायरेक्टली इसके पास आएगा, यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेगा, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस तरह से डेटाबेस में होता। समझ आई है? तो ये एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट होगी, ऐसी स्टेट जो कि आपके आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसमें जितने भी स्टेट्स हैं, वो तो सारे के सारे हमने कहाँ रखे हैं? एक स्पेसिफिक जगह पे। यहाँ पर मॉडिफाई होंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। ये जगह जो है इसको रिडक्स है, समझ आई है? ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा मैंने ये नहीं पढ़ा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ये रह गया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस दफ़ा ये पढ़ा। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसकी मैनेजमेंट, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आपको ये इससे छुटकारा मिल जाए, इतने सारा प्रॉप्स वगैरह पास करने से और काफ़ी सारी चीज़ें करने से। ठीक है ना? तो ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं इसको आपको कवर करूँ। हाँ, बस इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं इसमें स्टेट बनाना चाहूँ तो मैं कहाँ बनाऊँ? अभी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके ख्याल में ये यानी ज़्यादा फीजिबल है कि हम ये स्टेट ऐप के अंदर बनाएं? ठीक है, क्योंकि ऐप ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर ये सारे हैं। अगर ऐप चाहे तो वो ऐड को पास कर सकता है, अगर ऐप चाहे तो लिस्ट को पास कर सकता है, अगर ऐप चाहे तो रिसेट को पास कर सकता है, सो ठीक हुआ। लेकिन ये एक बात आप याद रखें, और ये मैंने आपको तो बड़ी डिटेल से बताई थी, लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी की है इस पर, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि अगर हम किसी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे डेटा पास करते हैं, तो इट विल बी अ वन वे ट्रैफिक। इट विल बी वन वे ट्रैफिक क्या मतलब? अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पास करूँ और मैं यहाँ पे उसको चेंज करूँ, तो वो चेंजेस ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। समझ आई है? वो चेंजेस ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो मुझे ये बताएं, पास करने का कोई फ़ायदा फिर है? नहीं है ना? तो इसके लिए हम एक ट्रिक करेंगे, चल गए भाई मुझे बता सकते हुए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम
इस कंपोनेंट से कहें कि मेरे लिए कोई लिस्ट चेंज करें, तो ये याद रखें कि हम अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में स्टेट पास करते हैं तो वो स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर वो होगी भी तो उसके लिए हम कोई एक दूसरा काम है वो करेंगे। बस खबर हमारी कुछ हुई स्टेट द पासकोड होना इस हमने जुड़ी। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी स्टेट यहाँ से पास हो यहाँ पे और यहाँ पे वो मॉडिफाई हो और वो मॉडिफाइड स्टेट आपके ऐप को भी मिल जाए। दास ने की मॉडिफाई, ये स्टेट किसका है असल में? ऐप कंपोनेंट का है, तो इसका चेंज करने वाला कौन? ऐप कंपोनेंट। इसके अलावा कोई इसको चेंज कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। यानी मैं अगर किसी स्टेट को ऐप में डालूँ तो उसको चेंज करना, उसमें ऐड करना, उससे डिलीट करना, उसमें से सर्च करना, ये सारा काम किसका है? इस ऐप कंपोनेंट ही का है। देख खबर मैंने पूछ भाई गना जिक सिगुरा चि द स्टेट ऐप जुड़कड़े मन दे रिस्पांसिबल ले गना द एडिशन सब्ट्रैक्शन डबल चा वसे करी चीज चेंज करे चेंज की ठीक हुआ। तो अगर आपका आपके जहन में ये है कि ऐप के अंदर मैं एक स्टेट बनाकर रीसेट के अंदर आकर उसको मैं चेंज करूंगा तो आपका ख्याल गलत है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंस्टेंट हम क्या करते हैं, मैं आपको तरीका बता दूं कि हम करते क्या हैं। इसके साथ देखें, आपके पास ऐप एक कंपोनेंट है, इसके अंदर हमने एक स्टेट बनाई है, फॉर एग्जांपल उस स्टेट का नाम है आईडी और इसकी एक वैल्यू है 1। इस आईडी 1 को कौन चेंज कर सकता है? ऐप, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। इस ऐप ने एक दूसरे कॉम्पोनेंट को रेंडर किया है और उस कॉम्पोनेंट का फर्स्ट कर ले नाम है रीसेट। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये आईडी मैं इसको पास कर सकता हूँ? पास कर सकता हूँ, यानी इसको मैं एज अ प्रॉप पास कर लूँगा जिस तरह से हम प्रॉप्स के थ्रू पास करते थे। तो यहाँ पर ये आईडी क्या है? स्टेट है, लेकिन जब इसे रिसीव होगी तो ये क्या बनेगी? ये प्रॉप बन जाएगी। खबर हमारे कुछ हुई, तो अगर मैं इसको ये आईडी दे दूँ, फर्ज कर लीजिए इसको ये आईडी मिल गई, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि इधर आईडी को हम 2 असाइन करें? ना, इट्स पॉसिबल नहीं है। मतलब सब बस खबर हमारे कुछ हुई, अगर हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाई है तो इसको मैं अगर एज अ प्रॉप पास भी करूं तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज करने वाला कौन होगा? इसका पेरेंट जो भी है, जिसने स्टेट बनाया है सिर्फ वही चेंज कर सकता है। इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसको एज अ प्रॉप पास नहीं करते, हम एक काम करते हैं यहाँ इस ऐप के अंदर ही जिस तरह से हमने स्टेट बनाया है यहाँ हम एक फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फंक्शन का नाम दे रहा हूँ सेट आई डी। इस फंक्शन का नाम क्या है? सेट आई डी। इस फंक्शन के अंदर हमने लिखा है कि आप हमें आईडी पास करो और मैं उस आईडी को चेंज करूँ। अब ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि कौन किसे चेंज कर सकता है? इस स्टेट को चेंज कर सकता है। और ये फंक्शन किसने बनाया है? ऐप ही ने बनाया है। तो क्या इसको इख्तियार है कि ये फंक्शन इस आईडी को चेंज करे? इसको इख्तियार है ना। तो हम इस फंक्शन को इस रीसेट को पास कर देते हैं। यानी अब हमने एज अ प्रॉप क्या पास किया है? सेट आईडी। हमने स्टेट पास नहीं किया, हमने क्या पास किया? फंक्शन। अब यहाँ रीसेट में आकर हम क्या करते हैं, लिखते हैं सेट आईडी और हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 2। तो क्या अब हम चेंज कर रहे हैं इस स्टेट को? यानी रीसेट के अंदर हम तो नहीं कर रहे, हम किससे करवा रहे हैं? उससे जिसके पास एक प्यार है। समझ आई? लगे खबरें कॉम्प्लिकेटेड फिगर। तो अब आप इमेजिन करें, अभी अभी नहीं हुई कॉम्प्लिकेटेड, अभी होंगे, अभी आपको थोड़ी देर में अंदाजा होगा। देखिए यही मसला है, इसीलिए तो रिडक्स आया है ना, ये मसला आपको समझाना। देखें, इमेजिन करें कि आपने इस आईडी को सर्च करना है या इससे कुछ डिलीट, कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ ऐप कंपोनेंट के अंदर ही कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेट तरीका ये है कि ऐप कंपोनेंट किसी फंक्शन को इख्तियार दे दें कि यार आप डिलीट करो, और वो फंक्शन आप किसी कंपोनेंट, किसी चाइल्ड कंपोनेंट को पास करें, वो चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करें, ठीक है, और कॉल करने के बाद वो स्टेट चेंज। तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी कंपोनेंट के चिल्ड्रन को फंक्शन पास करें। अभी ये मैं छोटी एग्जांपल से समझा देता हूँ और फिर ये वाली एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों से समझ आएगा, ठीक है। आई होप इसकी समझ आई। द स्टेट सिर्फ हम यूज की चेंज की देश हाँ लान डिजाइन की राशि बयान चेंज की, तो इसको आपने समझना है। अच्छा, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ जो मैंने आपको दी थी, जो एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, एक इस कंपोनेंट्स के अंदर ही मैं बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल वन वे ट्रैफिक इसका नाम है, सही है, और जेएस, और इसको मैं आरसीसी कर देता हूँ और इसको मैं इंडेक्स में इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है।
अब इसमें इसको अब एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, सिर्फ आपके समझाने के लिए है। वो सिंपल एग्जांपल ये है कि हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के अंदर एक बल्कि फर्स्ट के लिए सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ये जो है ना ये इसको हम डिस्प्ले कहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कोई नंबर शो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 20। अब ये अलग से एक कंपोनेंट है जिसका नाम है डिस्प्ले, और यहाँ पर आपके पास एक बटन कंपोनेंट है, ठीक है, और इसका नाम फर्स्ट के लिए बटन है या चेंज है या जो भी है आपके, ठीक है। अब ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अगर ये चाहे कि इस स्टेट को चेंज करें तो क्या होना चाहिए आप मुझे बताएं। उसके अंदर एक फंक्शन लिखें डिस्प्ले के अंदर और इस फंक्शन को इसको एज अ प्रॉप पास करें, फिर ये अपनी तरफ से उस फंक्शन को कॉल करें तो ये स्टेट चेंज हो जाए, तरीका ये, ठीक है। इसको अभी कोड करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको चेक कर लें, इसको कैसे करेंगे। यहाँ ये अब इसके अंदर ये एक ऐप कंपोनेंट है और इसके अंदर मैं ये फर्स्ट करने ये ऐप कंपोनेंट है और इसके अंदर मैं बाकी के कंपोनेंट्स अभी बनाऊंगा। एक इसका नाम है फर्स्ट कर लें डिस्प्ले डॉट जेस और दूसरे का नाम है बटन डॉट जेस, ये दो मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब डिस्प्ले का काम क्या है, स्टेट किसके पास है, डिस्प्ले के पास है, ठीक है ना, स्टेट डिस्प्ले के पास है। तो यहाँ हम अगर डिस्प्ले का वो बनाएंगे, डिस्प्ले की की क्लास बनाएंगे तो इसके अंदर हम स्टेट लिखेंगे ना, तो हम मैं इधर एक कंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर कॉल कर लेते हैं क्योंकि हमने दिस यूज़ करना है और दिस डॉट स्टेट फर्स्ट कर लें, इधर एक नंबर ही है, स्टेट का नाम नंबर है और इसके अंदर फिलहाल 1 लिखा हुआ है, सही है। तो ये एक स्टेट है जो कि डिस्प्ले क्लास के पास है, बाकी किसी के पास ये नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और एक बटन क्लास है जिसको हमने अभी बनाना है, तो इस बटन क्लास को भी हम बना लेते हैं। अच्छा, तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ ऐसे और यहाँ मैं एक बटन बना देता हूँ और इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है या चेंज लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये अब इस बटन के क्लिक करने से क्या होना चाहिए, वो ऊपर वाली उसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि इसमें हम प्रॉप्स यूज़ करेंगे तो मैं इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर डाल देता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर को हम क्या पास करेंगे, प्रॉप्स पास कर देंगे और यहाँ पर हम सुपर और प्रॉप्स लिखेंगे क्योंकि हमने बेस क्लास के उसको इनिशियलाइज़ करना है प्रॉप्स को, ठीक है। अब ये इसका क्या काम है, इस ऐप क्लास का क्या काम है, इसका काम ये है कि ये पहली दफ़ा किसको रेंडर करे, डिस्प्ले कंपोनेंट को रेंडर करे, ठीक है, और डिस्प्ले के बाद किस कंपोनेंट को रेंडर करें, आपके बटन कंपोनेंट को रेंडर करें, ठीक है, बटन कंपोनेंट को रेंडर करें। तो ये क्या हुआ, हमने दो कंपोनेंट्स को रेंडर कर लिया। अब अगर हम इसको देखना चाहें तो इसको बड़ी इजीली देख सकते हैं कि देखिए, अच्छा वो नीचे मैंने डिस्प्ले नहीं किया ना, इसके अंदर मैंने वो स्टेट डिस्प्ले नहीं की, तो स्टेट को भी डिस्प्ले करेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में मुझसे कोई थोड़ी सी गलती हुई है इसमें क्योंकि ये इस डिस्प्ले को ही बटन को रेंडर करना चाहिए था, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये जो है ना ये इसको यहाँ रेंडर ना करें, इस बटन को ये डिस्प्ले रेंडर करेगा असल में, ठीक है। तो ये बटन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और डिस्प्ले जो है ना ये वाली क्लास ये रेंडर कर रही है किसको, बटन के क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बटन को इम्पोर्ट कर दें, इम्पोर्ट बटन फ्रॉम स्लैश बटन, सही है। अब देखें जब डिस्प्ले नज़र आएगा तो इसके नीचे हम ये बटन डिस्प्ले करेंगे और इधर हम H1 लिख देंगे और इधर लिख देंगे कि हम स्टेट से वैल्यूज लें, दिस डॉट स्टेट डॉट क्या है नंबर, इसको सेव कर दें। देखें अब हमें क्या नज़र आ रहा है, ये स्टेट है और ये क्या है, ये इसका, अब ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसमें टोटल तीन कंपोनेंट्स हैं, एक पेरेंट है और एक ये डिस्प्ले कंपोनेंट है और एक चेंज। तो अब मुझे बताएं इसकी हायरार्की कैसी है, पहले कौन किसे रेंडर कर रहा है, पहली ऐप जो है वो डिस्प्ले को रेंडर कर रहा है और डिस्प्ले फिर बटन को रेंडर कर रहा है। अगर ये आपने यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप कंपोनेंट में आ जाए तो देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है,
ये थोड़ी सी हायरार्की यहाँ पे भी शो हो रही है कि ये जो है ना ये इसको रेंडर कर रहा है और फिर ये इसको रेंडर कर रहा है, ठीक है। अब स्टेट किसके पास है, डिस्प्ले के पास, और वो हमने चेंज कराना है किस से, बटन क्लास से। तो ये हम कैसे कराएंगे, यहाँ हम एक फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन को जो भी नाम देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम दे रहा हूँ चेंज नंबर, और इसको मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एरो फंक्शन रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो दिस बाइंडिंग मुझे ना करनी पड़े, ठीक है, और इसको मैं ऐसे रखूँ। अच्छा इसका, अच्छा इसके साथ कॉन्स्टेंट लिखते क्योंकि ये वो है ना क्लास का है। तो यहाँ इस फंक्शन में हम क्या करना चाह रहे हैं मुझे बताएं, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड करेगा, या उस नंबर को मैं एन कह रहा हूँ, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो इसके साथ क्या पास कराएगा, एक नंबर, और वो नंबर हम कहाँ असाइन कराना चाह रहे हैं, स्टेट, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर जो नंबर है उसको क्या करो, एन असाइन करो, सही है ना। अब ये वो फंक्शन है कि जो भी इसको कॉल करेगा वो स्टेट को चेंज कर देगा। ये ऐसे ही है जैसे हमने सेटर बनाया है, जिस तरह से गेटर्स और सेटर्स थे ना, अपने जावा में शायद पढ़े होंगे गेटर्स और सेटर्स को, ये एक सेटर फंक्शन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, तो अब जब हम बटन क्लास को रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम इसको एक प्रॉप पास करेंगे और उस प्रॉप में हम इस फंक्शन को पास करेंगे, ये जो चेंज नंबर है। तो इस बटन के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ये इस फंक्शन को कॉल कर सकता है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स ओन क्लास, ठीक वगैरह। तो हम यहाँ इस बटन को अब एक प्रॉप पास कर रहे हैं, और इस प्रॉप का मैं नाम रख रहा हूँ चेंज, और इसको हम क्या पास कर रहे हैं, दिस डॉट सेट चेंज नंबर है, क्या है, चेंज नंबर, ये हम पास कर रहे हैं, ठीक हुआ। अब जब ये रेंडर होगा ना ये बटन, तो इसको एक प्रॉप मिलेगा, उस प्रॉप का नाम क्या है, चेंज, और इसकी वैल्यू क्या है, ये फंक्शन। तो अब अगर हम चाहें कि बटन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कौन से वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला जो ये नज़र आ रहा है, ये कॉल होगा, और ये क्या करता है, ये इस स्टेट को चेंज करता है। तो हमने डायरेक्टली स्टेट को चेंज नहीं किया, हमने थ्रू अ फंक्शन चेंज किया है, खबर मालूम, कुछ भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब इससे आसान नहीं हो सकता, मसला ये है। अब प्रॉप्स में आवाज, जी ये वाला, ये प्रॉप का नाम है, आप जो भी रखना चाहें, चेंज माय नंबर कर ले, प्रॉप का नाम है, जिस तरह से हम टाइटल और वो रख रहे थे, ये आपके प्रॉप का नाम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं इसका नाम फिलहाल चेंज रख रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये इस बटन को किस नाम से रिसीव होगा, उधर इसी नाम से रिसीव होगा ना, ठीक है, प्रॉप डॉट चेंज को हम कॉल करेंगे इस तरह से। अच्छा अब अगर हम बटन में आए तो देखें आपके पास प्रॉप्स मौजूद हैं, यहाँ अगर हम चाहें तो वो कर सकते हैं, क्या है, उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस बटन को आप ऑन क्लिक दें, ठीक है, और यहाँ पे भी दे सकते हैं, और एक अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं। मैं एक अलग से फंक्शन सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, गोरा चिदीप द बटन क्लिक शी करना यो फंक्शन से कॉल कोमा आप फंक्शन बकमजी की डिफाइन पकड़ दें हम दे क्लास के दरना पकड़ देगा। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बटन क्लिक, ये एक फंक्शन का नाम है, इज इक्वल टू और एरो, और मैं यहाँ सिर्फ कंसोल लॉग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बटन क्लिक। अच्छा अब इस प्रॉप्स को फिलहाल भूल जाएं, सिर्फ इस बटन क्लास पे फोकस करें। यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट और बटन क्लिक है कि क्या है, इसको मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस कंपोनेंट का क्या नाम है, बटन नाम है ना, इस कंपोनेंट का बटन नाम है। तो ये एक फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नाम चेंज बटन है या जो भी है, और जब इसको मैं क्लिक करूं तो देखें ये बटन क्लिक का मुझे आ रहा है। अब ये हम सिर्फ एक ही उसके अंदर हैं, लेकिन हम असल में क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा वाला फंक्शन जो कि ऊपर डिफाइन हुआ है, उसको हम कॉल करना चाह रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे मैं सिर्फ कंसोल लॉग अभी नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं कौन सा वाला फंक्शन कॉल करूँगा, चिकम अपेरेंट क्लास न दत रिसीव शवेरे अपेरेंट क्लास न दत से के रिसीव शवेरे प्रॉप्स के मुंग बसंग लिखूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट और कम नूम सर रिसीव शवेरे चेंज दासेदा, और इसको हम वैल्यू पास करेंगे क्योंकि उसके कॉल करने से हमें एक वैल्यू पास कर रही थी ना, तो यहाँ हम 50 पास करेंगे। अब हुआ क्या है, हमने
करंट क्लास से कौन सी वाली चीज़ कॉल की है, पेरेंट क्लास की एक फंक्शन को कॉल किया है और उसको हमने एक आईडी पास की है। अब ये 50 जाकर किसे असाइन होगा, स्टेट को असाइन होगा, और स्टेट कहाँ पे है, पेरेंट में है। दिस आर स्टेट स्तम नगर असु खबर पूछ भाई कब बदे पूछो इधर बगे टूल के ग्रांड कॉन्सेप्ट थे बट बदे टूल रिएक्ट थे विजिबल कन्फ्यूजन है माता पता था देर अस्सा देर आखर कोई नहीं माता पता था माता नजर शो इतना एक्सपीरियंस मेरा भी है कि पता चल रहा है, इसे भी समझ नहीं आ रही। हाँ वो तो है, लेकिन अब अगर आपको मैं खुद करा चराशा कहना होगा वो बाकी मैं लिटरली मैं आपको आपको ये लैपटॉप देने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों चीज़ें सस्ती हैं, ये महंगा है। आप अगर इतना कर लेना जितना मैंने किया है, मैं लैपटॉप ले जाएँ अपने साथ ठीक है। अच्छा घर में, हाँ घर में इधर ही कर लेंगे, चलो सही है। अच्छा नक्स वाला खबर है देखा ना, अगर आप आज अभी उठ के आके यहाँ बैठ जाए ना, द लॉ ना दादा डेरा जी बताएगा ना, लॉ बड़ी अजीब सी चीज़ है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आके यहाँ बैठ जाए और आप कहें कि अच्छा मैं आता हूँ और थोड़ी देर बाद आ जाए, तो मैं आपसे कहूँगा कि नहीं मैंने तो कहा था अभी बिल्कुल इसी वक्त आ जाए तब मैं दूँगा, तो मैं फिर वो हिले बहाने ढूँढूँगा। जिस तरह से वो रहमान मलिक साहब अल्लाह बख्शे हमारे वो जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो कोर्ट ने हुक्म किया ना कि उनको हटा के ना उनसे ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ले ली जाए, क्योंकि उन वो कोर्ट का कुछ ऑर्डर नहीं मान रहे थे ना, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से हट गए। तो गवर्नमेंट ने ये किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, कि उनको मुशीर बराए वजारत दाखिला लगा दिया और वजारत दाखिला के सारे इख्तियार मुशीर को दे दिए समझ आइए ना, तो प्रैक्टिकली मतलब कुछ भी नहीं हुआ, उनके पास वही इख्तियार था जो पहले था। वो कोर्ट हम मरदा से नुशू वे लेकर जी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पहले रिकॉर्ड हो करा, तो हमारे यहाँ ये भी होता रहता है। खैर तो इसको सिर्फ इतना ही करना था। अभी इमेजिन करें ये तो सिर्फ एक क्लास है, सॉरी एक कंपोनेंट है या दो है, ये अभी इतने सारे बनाएंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो इसको अभी सेव करके चेक करते हैं, और इसको मैं अगर रिफ़्रेश कर लूँ तो होपफुली ये हो भी जाएगा इंशाल्लाह। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो देखें ये 50 हो गया। तो दा बड़ा खबर आना था चाहिए लान दे कॉम्पोनेंट सीधे अगर दफल पेरेंट स्टेट्स चेंज कहीं लगे आ रही ठीक छुआ। अगर आपको सेंटेक्स की समझ नहीं आई ना, तो मेरा मकसद सेंटेक्स समझाना नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताना था आपको कि पेरेंट क्लास के स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास से, और सिर्फ यही एक तरीका है कि हम पेरेंट क्लास के स्टेट को चेंज करें चाइल्ड क्लासेस से, और वो तरीका ये है कि हम सेटअप फंक्शंस भेजें एक क्लास से दूसरी क्लास में, बस सिर्फ ये समझाना। बाकी जो वो है यानी नीटी ग्रिटीज़ हैं और सेंटेक्स लिखना है, तो वो तो आप वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। इसकी समझ आई है खुश भाई करा जगह चाहिए उस चिदे पसे से स्टार्ट किए, ये लोग कैदेशी चीज मंडा कहीं तुम दीजिए ना ठीक देगा ना स्टार्ट टू। अच्छा चल लेट्स स्टार्ट। अब हम टू डू बना रहे हैं, और मैं टू डू को ज़रा यानी एक ऐसे तरीके से बनाऊंगा कि आपको पता चल जाएगा। खैर तो यहाँ मैं एक फोल्डर बना देता हूँ और इसका नाम है टू डू, और ये फोल्डर मैं कंपोनेंट से बाहर ले आता ठीक है। तो अब हमारे पास एक टू डू का एक फोल्डर मौजूद है, इसके अंदर हम सारा कुछ करेंगे। यहाँ हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है app.js ठीक है, और एक और मुझे बताएं कौन कौन सी क्लासेस बनानी है इसमें। add.js इसके अलावा क्या है, list.js इसके बाद आइटम मतलब इंडिविजुअल आइटम का मैं बोल रहा हूँ ठीक है, item.js और फिर क्या है बटन कौन से वाला, रीसेट वाला, तो ऐड वाला तो मैंने बना दिया है ना, तो रीसेट वाला बना देते हैं रीसेट डॉट जेएस, और बाकी के हम बाद में बनाएंगे क्योंकि वो फिर अभी बनाएंगे तो मैंने कहा ना आप भाग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ऐप कंपोनेंट से ठीक है, और क्योंकि हमें लॉजिकली स्टार्ट करना चाहिए, तो हम कहाँ से लें, तो यहीं से ले लेते हैं ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं RCC लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आपके लिए एक वो बना देता हूँ, क्लास बना देता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, इस ही को मैं कॉपी कर लेता हूँ और बाकियों में पेस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं इन सबको रीनेम कर दूँगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ठीक है। इन सबको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और इन सबको मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर इस क्लास का नाम ऐप है और बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यहाँ हम ऐड की क्लास बना रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम ऐड है, और इसको भी बस ऐड ही लिखते हैं, खैर कोई मसला नहीं है ठीक है। तो ये एक क्लास बन गई जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इस क्लास का नाम क्या है, लिस्ट, और यहाँ पे भी मैं एक लिस्ट लिख रहा हूँ ठीक है, इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। फिर एक आइटम की क्लास है, और यहाँ मैं आइटम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं
आइटम लेते थे, उसको भी सेव कर दें। और रिसेट के लिए मैं भूल गया तो कंट्रोल डी दबाएं और रिसेट लिखें तो एक ही दफ़ा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमने कंपोनेंट्स बना दिए हैं। अब आप मुझे बताएं ये ऐप का कंपोनेंट असल में क्या करेगा? सब को रेंडर करेगा। तो सबसे पहले ये किस वाले कंपोनेंट को रेंडर करेगा सबसे पहले? इस डिज़ाइन को देखें ना, इसके मुताबिक जाएं। पहले क्या एड डॉट जेएस, एड कंपोनेंट को हम रेंडर करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको एक शॉर्टकट समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ आप ये लगाएं ना और आप लिख दें एड, और जब यहाँ तक आ जाए ना, यहाँ तक, तो आप टैब दबाएं या इंटर दबाएं, दोनों से होगा ये कि ये ऐड भी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाएगा। आपको मैनुअली इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये मैं पूरा टाइप करूँ ना, फिर ये कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक छुआ। अभी अगर मैं इंटर दबाऊँ तो देखें ये इंपोर्ट भी हो गया और ऐड भी हो गया। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। अच्छा, ऐड कंपोनेंट रेंडर हो गया। अब क्या है, अब हम लिस्ट के कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। तो यहाँ लिख दें LIS और फिर पूरा ना लिखें और इंटर करें, तो ये लिस्ट कंपोनेंट रेंडर हो गया और इंपोर्ट भी हो गया। और इसके बाद क्या है, क्या है, अच्छा आइटम जो है ना, आइटम उसको कौन रेंडर करेगा? लिस्ट। तो इसके यहाँ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, खबर होगा उस गोरा रो रो मासूम कारों को। अगर इधर आइटम की ज़रूरत नहीं है, हमने बनाया है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो लिस्ट के अंदर है, तो वो लिस्ट को इंपोर्ट करना चाहिए। यहाँ ऐप का उसके साथ क्या काम है? और उस बोझ आ रही, अभी यही एक मसला जो है ना, उससे काफ़ी सारे मसले बनेंगे। खैर जम यारों मजे का चिता हुआ कई ग्रांड दे, ठीक देखे ना। तो और लास्ट में क्या है, हमने रीसेट के बटन को डालना है ना, तो रीसेट डाल दें और इसको इंपोर्ट कर दें। मुझे बताएं स्टेट कहाँ होना चाहिए, स्टेट कहाँ होना चाहिए? ऐड में होना चाहिए, लिस्ट में होना चाहिए, गुरा उस पता नहीं लगेगा ना, चर तो होना चाहिए। चेंज सिर्फ लिस्ट में हो रहा है। हाँ, आप चुप हो जाएं तो मैं बोलूं, ऐप में डालेंगे, पेरेंट में डालेंगे, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले पेरेंट में डाला था, समझ आई है? उसकी वजह ये है ना, अगर मैं आइटम में डालूं, आइटम में, तो आइटम के कोई पेरेंट और कोई वो है, चाइल्ड है, द आइटम चाइल्ड का मतलब सुख चेंज कही गया, समझ आई है? अगर मैं इधर डाल दूं इस ऐप के अंदर, तो बाकी सारे इसके चिल्ड्रन हैं, तो बाकी सारे इसको चेंज कर सकेंगे। अगर मैं फर्ज कर लें इस ऐड के अंदर डालूं, तो ऐड किसको रेंडर कर रहा है? किसी को नहीं, तो चेंज करने वाला कौन होगा? आप किसे एज अ प्रॉप पास करेंगे? पूछ भाई के ना जैसे मेरा वर्णम गुरा लेका द स्टेट चले गए ना, द पेरेंट जिम्मेवारी देखिए, एब्सोल्यूट पेरेंट कम ही हो दे ऐप नुजगा पे ऐप है आओ करें लिस्ट में इस पर लिस्ट बना जखना बना हुई लगेगा करेक्ट। इधर देखिए, अगर मैं ये एक कंपोनेंट है जो कि इसको रेंडर कर रहा है, तो इसके पास ये इख्तियार है कि इसको चेंज करे। अगर इसका कोई स्टेट है और वो मैं यहाँ चेंज कराना चाह रहा हूँ, तो इसको इख्तियार है कि इसका भी स्टेट चेंज करे और इसका भी चेंज करे, ये कर सकता है क्योंकि एक हायरार्की में। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये स्टेट यहाँ पे डिफाइंड है और ये इसका पेरेंट है और स्टेट यहाँ पे डिफाइंड है, तो इस पेरेंट ने इस स्टेट को चेंज करना है तो नहीं कर सकता। स्टेट हमेशा नॉर्मल के ट्रैफिक खुले हुए, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम द हायरार्की के जो चिल्ड्रन है ना, सिर्फ वो चेंज कर सकते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि हम जब ये लिख रहे हैं कि ऐप ऐड को रेंडर कर रहा है, फर्स्ट कर लें ये ऐप है और ये ऐड कॉम्पोनेंट है, तो ऐड कंपोनेंट किसी कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है? नहीं कर रहा है। ऐड कंपोनेंट और यानी ऐप किसको रेंडर कर रहा है? ऐड को, और ये क्या है? लिस्ट है, इसको रेंडर कर रहा है, और फिर ऐप ही रेंडर कर रहा है रिसेट को। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसके अंदर लिस्ट डालूं, तो क्या मैं उसको यहां से चेंज कर सकता हूं? यहां से चेंज कर सकता हूं इसके उसको क्या है स्टेट नहीं, पेरेंट तो नहीं कर सकता ना, सिर्फ चिल्ड्रन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ डालूँ स्टेट को, तो क्या वो यहाँ से चेंज हो सकता है? नहीं। क्या ये इसका कोई ऐसा है जो कि ये रेंडर कर रहा है? नहीं, कोई नहीं है ना, वो उजाने आवाज ही देगा। ये इसका कोई ऐसा है जो इसको रेंडर कर रहा है? हाँ, वो आइटम है ना,
ये आइटम इसको रेंडर कर रहा है। तो अगर कोई स्टेट यहाँ पे है और आप यहाँ पर उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे है तो यहाँ से भी चेंज नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी चेंज थ्रू चिल्ड्रन। किसी का होना डिस्प्ले माने बटन रेंडर, जो बटन द डिस्प्ले चिल्ड्रन, तो अलग स्टेट चेंज के लिए। सर अगर ये आइटम ना होता और फिर भी हम स्टेट में ये लिस्ट में स्टेट होता तो फिर हम कैसे करते? अभी तो आसान हल ये है, अभी करंटली आसान हल ये है कि हम यहाँ पे करें स्टेट। क्यों? क्योंकि ये बाकी सबको रेंडर कर रहा है। वो अगर ये चाहे कि स्टेट चेंज हो तो कर सकता है, कर सकता है, ये इसका चिल्ड्रन है। अगर ये चाहे कि इसका स्टेट चेंज करे तो कर सकता है, और अगर ये चाहे कि इसका स्टेट चेंज करे तो भी हो सकता है, और अगर ये चाहे कि इसका स्टेट चेंज करे तो भी कर सकता है। उसकी वजह ये है कि ये सारे इस ऐप के चिल्ड्रन हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि ये अगर चाहे कि स्टेट रेंडर करे तो आप फिर इसकी स्टेट सिर्फ यहाँ से चेंज करा सकते हैं, इसके अलावा नहीं करा सकते। आइटम में स्टेट बनाए नहीं, अगर आइटम ना हो लिस्ट में हमें स्टेट दिया। हाँ तो अच्छा ठीक है, फर्स्ट करके यहाँ पे स्टेट हुआ और मैंने स्टेट क्या है, एरे है, एरे ना, और उस एरे में मैंने एडिशन कर दी है, तो वो कौन करेगा? ऐड। क्या इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये इसमें चेंजेस करेगा? नहीं है। सिबलिंग्स है, बहन भाई, सिबलिंग्स नहीं कर सकते कभी चेंजेस, सिर्फ चिल्ड्रन कर सकते। वन वे ट्रैफिक मतलब हम जाने ना कि सिर्फ लान देना बड़े चेंजेस की देशी वर्ण लान देना चेंजेस की, ये नहीं हो सकता कि एक स्टेट यहाँ पे है और उसको मैं इसके ऊपर से मॉडिफाई करूँ, ये नहीं होगा, नीचे से ऊपर मॉडिफाई हो सकता है। अभी पूछ रही तो हमें स्टेट कहाँ रखनी चाहिए? ऐप अभी समझ आई लिस्ट में नहीं। हाँ आपका क्वेश्चन वैसे सही है, होना ये चाहिए कि हम यानी एक जगह स्टेट लिखें और बस वो मॉडिफाई, यानी हर एक कंपोनेंट को अलग अलग स्टेट दें और वो मॉडिफाई कर सकें, आपकी बात ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये 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 और ये कंपोनेंट मिल के एक ऐप बना रहे हैं, एक ही ऐप बना रहे हैं, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स अ सिंगल गोल। तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इस लिस्ट को यहाँ पर भी शेयर करूँ, यहाँ पे भी शेयर करूँ, यहाँ पे भी शेयर करूँ, यहाँ पे भी शेयर करूँ, फिर डेटा रिडंडेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उसको उसके बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऐप के अंदर ही वो यानी एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे डाल रहे हैं। इट इज़ वेरी इलॉजिकल, आपकी बात ठीक है, इट इज़ वेरी इलॉजिकल कि हम ये लिस्ट यहाँ नहीं रखें और यहाँ रख रहे हैं। इट इज़ वेरी इलॉजिकल, मैं एग्री कर रहा हूँ, आपकी बात ठीक है। तो ये समझ तो आ रहा है लेकिन वो रास्ते जो है वो समझ। हाँ देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, मेरे मुझसे पूछे ना तो ये लिस्ट है ना, ये इसके इसके पास ये डेटा होना चाहिए और बाकियों के पास ये तैयार हो कि इसको चेंज करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये लिस्ट उठाकर ऐप में रख रहा हूँ तो ऐप का इस लिस्ट के साथ क्या काम है? आप कोई काम नहीं, ये तो इसका काम तो सिर्फ इन तीन को रेंडर करना है, बाकी कोई इसका काम नहीं है। ये असल में ये डेटा होना किसके पास चाहिए? लिस्ट के पास। और लिस्ट चाहे तो ऐड को प्रिविलेज दे के ये चेंज करे, और लिस्ट चाहे तो रिसेट को प्रिविलेजेस दे के चेंज करे, तो फिर तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐड और रिसेट के पास ये प्रिविलेज हो तो फिर ये लिस्ट से रेंडर करें, ठीक हो गया। लेकिन अजीब सी बात होगी कि लिस्ट का जो कंपोनेंट है वो ऐड के कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। लिस्ट के कंपोनेंट का क्या काम है? लिस्ट शो कर, ऐड को अलग से कंपोनेंट होना चाहिए। तो इस वजह से ये मसला है, कि बात ठीक है। इसीलिए होना क्या चाहिए, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है, वो ये है कि स्टेट को हम इन सारे कंपोनेंट से निकाल के एक अलग जगह पर रखें। अब स्टेट क्या है, यहाँ पे पड़ा हो फर्ज कर ले स्टेट का नाम लिस्ट है, इस लिस्ट को ये भी एक्सेस कर सके, ये भी कर सके, ये भी कर सके, ये भी कर सके, जब चाहे कर सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम इसके चिल्ड्रन हैं या नहीं, और ये हम एक्सेस कर सके, तो ये आइडियल बात हो, तो ये रिडक्स ठीक है। फिलहाल यही इलॉजिकल तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, ये है ही इलॉजिकल। हम स्टेट उस जगह डाल रहे हैं जिस जगह उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि हमें चूंकि चिल्ड्रन से इसको चेंज कराना है इसीलिए हम डालते हैं। हालांकि आपकी बात ठीक है, यहाँ पर अगर हम डालते हैं तो ज़्यादा करते हैं, बस खबर मैंने कुछ भी छोटे प्रोजेक्ट्स पर रिडक्स इस्तेमाल ना करें, ठीक छुआ जिक्र अनेसेसरी कॉम्प्लिकेशन रही।
अगर इस स्टेट को हमने यानी एक नंबर को चेंज करना है ना, तो कम से कम मुझे 30 तक लाइन लिखने होंगे, तब आपके रिडक्स स्टेट चेंज होता है। वो 4-5 फाइल्स से होके जाता है, विच इज़ वेरी अनोइंग। नो रिडक्स लगा, इट्स अ वेरी एलिगेंट सोल्यूशन कि हम सेंट्रलाइज्ड जगह से एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अगर एलिगेंस अखवा दे खुशी वही उसी अगर एलिगेंस टिक्स वगैरह नो अगर आसान किस्सा था क्या ज़बरदस्त है मुझे रिड्यूसर्स दी बगे कन्वर्जेंस दी और फ्लाने और तो वो चीज़ यार सब बताइए स्टेट बोलो के शांति बदलो नुम रखा किस्सा दे बोले और मजबूरी भी ठीक छुआ नो स्टेट सेंट्रलाइज स्टेट्स तब जू फिलहाल ना, फिलहाल सिर्फ इतना समझे कि हम इस ऐप के अंदर ये जो ऐप की क्लास है इसके अंदर सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाकी सारे इसके चिल्ड्रन सिर्फ ये वजह है, बाकी वजह नहीं। ठीक है, यहाँ हम स्टेट डाल देते हैं और स्टेट के डालने के लिए मैंने बताया था कि आपको ये लिखना पड़ेगा और दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू और यहाँ आप स्टेट डाल दें जो भी डालना है। तो हमें पता है कि हमारे पास एक स्टेट है और इसके अंदर एक लिस्ट है, सही है, होता तो पता रहेगा जी लिस्ट है। देखिए अगर मतलब आइटम्स दी बताइए टोल जी कम आइटम्स दी करना देता था उससे किसी मुना ले पहुँचते इस मसल में इसको अगर मैं टास्क देना चाहूँ तो भी ठीक है, ये सारे टास्क हैं जो कि हमने करने हैं ना। तो अच्छा अभी मैं इसके साथ एक काम करने जा रहा हूँ जो कि इससे पहले हमने नहीं किया, वो ये है कि अगली क्लास में उससे अगली क्लास में हम इसमें फ़िल्टर्स लगाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं, या अभी इनकम्प्लीट है, या अभी कर रहे हैं, या पेंडिंग है, या हमें कैसे पता चलेगा। तो अभी ये नॉर्मल आइटम्स नहीं है जिस तरह से हम अभी इससे पहले ये डाल रहे थे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरीज शॉपिंग ठीक है ना, ये करनी है, इसके बाद शूज़ लेने हैं और इसके बाद और क्या होता है सब्ज़ी लेनी है और क्या है आपने तो नहीं लेने लेकिन क्या है तैयब अपने लेने हैं ठीक है ना। तो ये सारे हैं लेकिन इसमें हमें क्या पता कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, हमें नहीं पता ना। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स नहीं लिख सकते, दे नीड्स टू बी ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस एरे के अंदर, अब इसको ज़रा गौर से देखिए, ये इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के दो नोड्स हैं, एक इसका टेक्स्ट है यानी करना क्या है ठीक है, और इसके अंदर कुछ लिख दें जो भी है, और एक इसकी स्टेटस है। स्टेटस का क्या मतलब होता है कि ये कंप्लीट है या नहीं है। तो फिलहाल मैं इन सब को क्या लिख रहा हूँ, इनकम्प्लीट लिख रहा हूँ। तो अब स्टेट थोड़ा सा वो हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सही है ना। अब नॉर्मल एक लाइन नहीं है, हम मतलब काफ़ी सारे लाइन्स हैं, सही है। वैसे अगर आपको इससे अभी थोड़ी सी चिढ़ नज़र आ रही है, आप वैसे भी डरे हुए हैं तो बस गिरती हुई दीवार को नोर होएगा ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ कि हमारे पास सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है वो कैसे होता है। तो वो ऐसे होता है, एक सेकेंड, हाँ रिस्पॉन्स डॉट जेएसपी। थस तो कहता है यो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड कर ही ना, नो वी हैव डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दे तो करे था यो ऑब्जेक्ट ने सुन रही सुनी देवे दी यो अगे न टोल ऐप जोड़ छवे यो ऑब्जेक्ट दीजिए ना वाला दीजिए बोरे था सुमरा नोट्स दी बगेता सुबह बोरे समझ आई है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने का वक्त बाद में आएगा, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ ये सिंपल सा है। तो इसको मैं अगर इसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, ये ऑब्जेक्ट जो है अब दो वो है ठीक है, एक उसका टेक्स्ट है और एक उसकी स्टेटस है। तो ये एक हो गया, अगर हम दूसरा डालना चाहें तो दूसरा भी डाल दें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, तो ये आपका दूसरा टास्क हो गया ठीक है ना। और फिर कॉमा लगा कर मैं ये तीन या चार इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हम जब रेंडर करें तो हमें कुछ नज़र आए ठीक है। और यहाँ इसको भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कितने हुए, चार हो गए, पाँच हो गए ठीक है। और इन सब को मैं इनकम्प्लीट रख रहा हूँ सिवाय इस एक के, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए। अच्छा अब इसका जो टेक्स्ट है इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वही वाला कर लेते हैं कि सब्ज़ी लानी है और क्या लाना है, पैम्पर्स लाने हैं और क्या है मड़ा बस बकी लिख गई सही रहा टिक्स वगैरह। अच्छा इसे आपकी सबसे सबसे फेवरेट सब्ज़ी क्या है, क्या ओ अच्छा, और आपकी आप स्पेगेटी ना बोल रहे, स्पेगेटी सब्ज़ी नहीं है अच्छा कोई स्पेशल नहीं है तो नथिंग स्पेशल ठीक है।
चलो, तो ये आपके पास आपका डेटा हो गया, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम यानी इस, अब ये आपका असल में स्टेट है, ठीक है, इसको आप टास्क कहें, इसको आप लिस्ट कहें, इसको आप जो भी करना कहना चाहें कहें, ये अब इस नाम से रेफर होगा। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इसको मैंने मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो ये या तो ऐप खुद कर सकता है या ऐप अगर किसी को इख्तियार दे तो वो कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, क्या इसके पास इख्तियार है, होना चाहिए कि ये लिस्ट को मॉडिफाई करे? होना चाहिए ना, लिस्ट के मैं एडिशन कही है ना, तो मुझे ये बताएं कि ऐड क्या बाय डिफ़ॉल्ट इस स्टेट में चेंजेस कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे फिर कर सकता है, अभी तो नहीं कर सकता ना फिलहाल। अच्छा हाँ, दर तो वो ये चीज़ लिस्ट द इख्तियार पकड़ रहे दी टास्क दी लिस्ट, इसको मैं लिस्ट नाम दे दूँगा कि आसान हो जाए, ठीक है ना। ये एक लिस्ट है जो कि ये काम हमने करने हैं। तो मेरा क्वेश्चन असल में मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है, क्या मुझे इस लिस्ट को, इस ऐड को पास करना चाहिए? क्या मुझे इस लिस्ट को, अच्छा ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, तो फिर कन्फ्यूजन बनेगी, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, टास्क सी सही है, सही, इसको मैं टास्क नाम दे देता हूँ। अच्छा तो इसको पास करना चाहिए? हाँ ना, पास करेंगे तब डिस्प्ले होगा ना, पास नहीं करेंगे तो डिस्प्ले तो नहीं होगा। अच्छा, इस रिसेट को क्या ये टास्क पूरा का पूरा पास करना चाहिए? गलत उस दसी क्वेश्चन ने जिता सुबह, यस सर, यस सर, वो गलत थे, मतलब पता आपकी बात बिल्कुल कम्प्लीटली गलत है। हाँ गुरा कहना जिता उसका खबर रखूँ, इस टास्क के अंदर जो भी कुछ है ये किसे चाहिए, असल में ये किसे चाहिए? ये लिस्ट को चाहिए ताकि वो डिस्प्ले करे। ऐड का इस पूरे लिस्ट के साथ क्या काम है? ऐड का कोई काम है? तो क्या ये पूरी के पूरे टास्क की जो लिस्ट है क्या वो हम ऐड को पास करेंगे? नहीं, उसको सिर्फ एक फंक्शन पास करेंगे ताकि एडिशन कर सके। इस रिसेट को हम क्या पास करेंगे? सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन पास करेंगे ताकि रिसेट कर सके। और इसको हम क्या पास करेंगे? ये पूरी की पूरी लिस्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि क्या हो, ताकि वो उधर उसको रेंडर करके डिस्प्ले कर सके। उसका काम ही यही है ना, आओगे ना? हाँ सी, यस सर, यस सर, दस एक होना था क्या? अच्छा चलो, इसको पहले सबसे आसान काम इसमें क्या है? लिस्ट डिस्प्ले करना, ये सबसे आसान काम है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इस लिस्ट को हम ये पास कर देते हैं टास्क, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं लिख देता हूँ कि दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क, ऐसे ही है ना। ये हम अब लिस्ट को एक प्रॉप पास कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? टास्क, और उसमें सारे टास्क हैं। अब इसको सेव कर दें और लिस्ट के पास आ जाए। दल तबोस यरे गए ना, दल तबोस योजी बचल की होता सुबह यरे गए ना, सही देखें, इसके अंदर हम इस लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे ना। तो अब मुझे ये बताएं कि इसका काम, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इसका काम है UL को डिस्प्ले करना, और UL के अंदर जो LIs है वो किसका काम है डिस्प्ले करना? वो इस आइटम का काम है, वो इस आइटम का, ठीक है। कहता हुआ ही ना कि उमदलता था टू लिस्ट रेंडर का वही वसलम निश्ता हजरत वाला तरीकों से रजे को पता लगे कि जिदासिम की देश। अभी मैं फिलहाल वो सिंपल तरीके से इसको यहाँ रेंडर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें प्रॉप्स रिसीव हुई है तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्टर डालना पड़े, कंस्ट्रक्टर डाल दें और कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स को भी इनिशलाइज कर दें। इधर लिख दें सुपर प्रॉप्स, तो आपके पास प्रॉप्स मिल गई। अब यहाँ, अच्छा मैं ये आपको बताऊँ कि यहाँ हम इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। मैं इधर यहाँ ऐसे लिखूँगा कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू प्रॉप्स, ये क्या हुआ? डिस्ट्रक्चर हो गया ना। प्रॉप्स के अंदर किस नाम से आ रहे हैं? टास्क के नाम से, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो अब हमें दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टास्क के लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली टास्क, आसान हो जाएगा। तो ये हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इसको हम चूंकि रेंडर कर रहे हैं तो हम यहाँ UL लिखेंगे, UL, और इस UL के अंदर मैं इसको अभी रेंडर कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसको मैं चेंज करूँगा फिलहाल। ये ऐसा ना फिर ये याद रखें, ये याद नहीं रखना, वो दूसरे वाला याद रखना है। तो यहाँ हम मैं ये डाल देता हूँ और मैं सिंपल लिख देता हूँ टास्क है ना डॉट मैप, ये लिखना है ना, मैप करना है। एक एक टास्क को हमने निकालना है और इसको हमने क्या है रिटर्न में लिख देना है कि LI में हमें क्या डिस्प्ले कर दें, टास्क डॉट क्या, टास्क डॉट टेक्स्ट, क्या देर देगा ना, आपको ऑब्जेक्ट दें उसको, उसको सिर्फ टास्क नहीं दें, उसको टास्क के दर आगे टेक्स्ट देगा ना। आपको और सारा स्टेटस ली गई नदल तो और सारा स्टेटस से मिली गई, इस खबर हमने ना टास्क डॉट स्टेटस, तो यहाँ इनकम्प्लीट और कम्प्लीट भी साथ में लिखा हुआ आएगा, अजीब सा लगेगा लेकिन क्या करें।
और इसको अभी हम इंडेक्स को बताते हैं कि इसको रन करें। तो इंडेक्स पे जाएं और इंडेक्स से कहें कि मेरे लिए ऐप कंपोनेंट ले आएँ। कहाँ से? कंपोनेंट्स में नहीं है वो, डायरेक्टली टू डू में है। मेरे ख्याल टू डू में ऐप के नाम से है, ऐसे ही है ना। तो इसको अगर अच्छा, और इसको भी चेंज कर दें, ये जो है ना इसको ऐप कर दें। अच्छा, इसको आप रन कर दें। टास्क इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ शुक्र है। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, सही है। ये असल में अच्छा, चलो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। इसको अभी हम एक ग्लोबल वेरिएबल में रख देंगे, तब नज़र आएगा। अब देखें ना, ये जो वेरिएबल है ये बाकी को तो नज़र नहीं आ रहा ना, बाकी फंक्शंस को, इस वजह से ये एरर दे रहा है। इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसको बाद में कभी टेस्ट कर लेंगे। खैर, यहाँ अगर हमने प्रॉप्स लिखने हैं तो हम यहाँ मैंने टास्क डॉट टेस्ट लिखा है, यहाँ मैं क्या लिखूँ? दिस सॉरी यहाँ यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टास्क, ऐसे ही है ना। इसको हमने मैप करना है, इसको ऐसे कर होगा ना, ऐसे ना खस्ता रेंडर शो, ठीक ना। अब ये स्टेट कहाँ पे डिफाइंड है? ये ऐप पे डिफाइंड है, और हमने पास की है किसको? लिस्ट को, और वो लिस्ट इसको रेंडर करके डिस्प्ले कर रहा है। बस वो शो खबर बन गया। अब अगर हम अच्छा, क्या ये अच्छा होता कि ये इधर हम रुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एल आई है ना, ये काम, ये जो सिर्फ एक काम है, ये वाला इस एल आई को डिस्प्ले कराना, ये किसका काम है? ये इस आइटम का काम है, ये आपके इस क्लास का काम नहीं है। इस क्लास का काम क्या था? आपके लिस्ट को बनाना, और लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स को डिस्प्ले कराना किसका काम है? वो आइटम की क्लास का काम है। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखते, हम यहाँ पे एक अजीब सा काम करते हैं। हम यहाँ पर ये लिस्ट है ना, लिस्ट ने किसको रेंडर करना था? आइटम को। तो यहाँ लिख दें इम्पोर्ट आइटम फ्रॉम डॉट स्लैश आइटम, ठीक है, और यहाँ पर हम आइटम कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। कुछ भी करना सूझ एक उस गोरा करा दिल तब जसूली कमा रिटर्न आइटम। इन अदर वर्ड्स, हमने टास्क को मैप किया और एक एक टास्क के लिए एक एक कंपोनेंट बनाया। सपोज में खबर माने करा उसका ज़्यादा सेफ कम होता है, चेक कम करना गोरा आगे कि मुझे आइटम लिख ली करा आग अपने दे दिया था गोरी। हाँ, इधर इसको अब ज़रा गौर से चेक करें। देखें, हमने ऐप का कंपोनेंट बनाया, ऐप के कंपोनेंट को ऐड को रेंडर किया, ऐड के कंपोनेंट और ऐप के कंपोनेंट ने लिस्ट को रेंडर किया, और लिस्ट ने किसे रेंडर किया? आइटम को। कितनी दफ़ा? जितने उसमें आइटम्स थे उतनी दफ़ा रेंडर किया। समझ आई है? अब ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैं किसम मशरूटी को मनोज के अड़ो मदीबल तरफ था, बट दिस इज़ एक्चुअली हाउ इट्स डन। हम जब ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं ना, तो उसमें ड्रॉप डाउन का जो कॉम्बो बॉक्स है वो एक कंपोनेंट में होता है, और उसके जो इंडिविजुअल एंट्रीज हैं वो अलग कंपोनेंट में होती हैं, इतने तक डिवीजन होती है उसमें। इसका फ़ायदा ये है कि जब ये आइटम चेंज होगा ना ये, तो आपकी सिर्फ ये एक ही जगह चेंज होगी, बाकी कंपोनेंट्स री रेंडर नहीं होंगे। और उस केस में अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 500 एंट्रीज हैं और उसमें से सिर्फ एक चेंज हो जाए, तो पूरी की पूरी लिस्ट री रेंडर होगी। कौन से वाला बेहतर है? इंडिविजुअल वाला ज़्यादा बेहतर है। तो ये हम अपनी तरफ से मतलब मशरूटी नहीं कर रहे, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी नेसेसरी थिंग। अगर मैं यहाँ पर एल आईज रेंडर करना स्टार्ट करूँ और उस एल आई में से कोई एक एल आई चेंज हो जाए, तो ये पूरा लिस्ट कंपोनेंट री रेंडर होगा ना। खबर हमारे पूछ भाई, तो इस वजह से इसको हम अलग से लिख रहे हैं। आइटम का कोई फ़ायदा नहीं है, आइटम का सिर्फ ये फ़ायदा है कि हम अगर आइटम के अंदर किसी इंडिविजुअल आइटम को चेंज करें, इंडिविजुअल आइटम को, तो वो सिर्फ वही कंपोनेंट का वो पार्ट रेंडर होगा। यानी इन अदर वर्ड्स, इसको ज़रा देखें, अगर मैं ये देखें, ये किसे पॉइंट कर रहा है? ये इस इंडिविजुअल आइटम को पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये चेंज हो जाए तो बाकी कोई रिसेट नहीं होगा, बाकी कोई रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ इंडिविजुअली ये ही एक आइटम यानी वो होगा, रिफ्रेश होगा। तो डॉम पे वो कम पड़ा ना, ये जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो कम हो गई। दूसरा ये ना कि अगर इस डेटा में सिर्फ एक जगह चेंज हो रहा है, तो सिर्फ उस एक ही जगह को चेंज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर हम पूरे लिस्ट को रिरेंडर करना स्टार्ट कर दें। और ये तो अभी 5 हैं, इमेजिन करेंगे ये 500,000 हैं, और उसमें से एक माइन्यूटली छोटा सा भी चेंज हो जाए, तो 500,000 को रिसेट रिफ्रेश करेंगे दोबारा से,
समझ आई है? तो इस वजह से हमने इसके लिए एक अलग कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ उसने टेक्स्ट ही डिस्प्ले करना है, बाकी इसको कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम इसको क्या पास करें, आइटम को प्रॉप्स पास करेंगे, लेकिन प्रॉप्स में क्या पास करें, उसने क्या करना है, टास्क का टेक्स्ट और टास्क का स्टेटस, यही दो चीज़ें पास करनी है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ टेक्स्ट, और वो होगा टास्क डॉट टेक्स्ट, और दूसरा क्या प्रॉप पास करना है, स्टेटस, तो स्टेटस लिख दें, और इधर लिख दें टास्क डॉट स्टेटस। बस इतना ही काम है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब हम आइटम में आ जाएंगे ना, तो आइटम में हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्रॉप्स इनिशियलाइज कर दें, सॉरी कंस्ट्रक्टर लिख दें, और इसको प्रॉप्स पास करें, और यहाँ सुपर प्रॉप्स लिख दें, ठीक है। और प्रॉप्स में हमें क्या मिला, दो चीज़ें मिली ना, कौन कौन सी, हाँ, तो यहाँ इस डिफ को बिल्कुल हटा ही दें, डिफ का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। इसके अंदर एल आई लिखना था ना, एल आई लिख दें, और एल आई के अंदर हमने क्या लिखना था, वही वाली दो चीज़ें लिखनी है इसमें, ठीक है ना। क्या कुछ लिखना है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट के नाम से आया ना, और यहाँ क्या है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट स्टेटस, इसको सेव कर दें। अब चीज़ वही है, लेकिन अभी वो यो बल द फॉरवर्ड को या बल द फॉरवर्ड को या बल द फॉरवर्ड को अलग डिस्प्ले की गई लग गया, समझ आई है। छावेल चीज रिएक्ट इज द कोमो रिएक्ट देर जबरदस्त है दादा वाह सुशु वाह खला करा पसे कर। तो इट्स डिफिकल्ट आई नो, इट्स नॉट इजी, ठीक छुआ। अभी 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 स्टार्ट हुए हैं, अभी 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 हम यानी आगे जाएंगे, और आपकी स्ट्रेंथ को मैं कम करने की कोशिश करूँगा, तो आपको बस अपना राजे करें इनशाला। जिसका पहला वर्ष था वरना नखीरी वर्ष था इनशाला, माँ तो पता सिखारी। हाँ, अगर इसके साथ हमने चेक बॉक्स लिखना है ना, चेक बॉक्स बनाना है, तो यहाँ हम इसके साथ एक बटन बना देते हैं BUTTON, और इस बटन के ऊपर हम एक सॉरी बटन नहीं बनाना, इनपुट टाइप लिखना है। तो इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स है, और बस इसको नाम और आईडी वगैरह फिर बाद में दे देंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने क्वेर दे रहे हैं, डबल कोट्स बनने की, ठीक है। तो इसको हमने की नहीं दी, याद है ना, इसको की भी देनी ज़रूरी होती है ना। तो हर एक एंट्री जो है वो यूनिक है, उसका टेक्स्ट यूनिक है ना, लगा दे लिस्ट के चिकम नमूना दी द रिपीट की देशी आखो मंगल तबर रिस्ट्रिक्शन हो लगा उन्हीं रिपीट के देखे ना, तो यूज दिस एज अ की, ठीक होगा ना। क्या है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, ठीक था। बस उस वार्निंग वगैरह जी, इस किस्म के इधर तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो वार्निंग अगर हो तो वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये चेक बॉक्सेस बन गए हैं, और इनको अगर मैं टिक करूँ तो इसको ऐसे ऐसे इसके ऊपर लाइन आनी चाहिए ना, ताकि वो लग बंद होगी नोट से रिश्ता मुझे लगा खखकारी है ना, कि कलर हम बदल शोध ऐसे ग्रे शो नोट में खखकारी, तो वो कल करेंगे, अभी आपका आज का दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर ये आज करेंगे तो, ठीक है। और दूसरा, इसमें ऐड और रीसेट के हमने मॉड्यूल्स लिखे नहीं हैं, तो वो भी अभी डाल देते हैं, ताकि वो भी कल हम जब आएँ तो इंशाल्लाह इसको फिर प्रॉपरली कर सकें, ठीक है। तो ऐड के मॉड्यूल को अभी अगर हम मैंने बताया था ना, लिस्ट का मॉड्यूल कंपेरेटिवली आसान है बनाना, ऐड का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ऐड के मॉड्यूल में हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्म हो, पहली बात तो ये है कि एक फॉर्म हो, और फॉर्म के ऑन सबमिट के अंदर हम हैंडल सबमिट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, हैंडल सबमिट लिखेंगे, और यहाँ हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे, एक टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं ना, और क्या था इसका, इसकी आईडी है, तो इसको आईडी भी दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम इसका नाम दे दें, जो भी नाम देना चाहें, इसको नेम दे दें, वो भी आइटम दे दें, और क्या है वैल्यू, हाँ वैल्यू तो हमारे पास स्टेट से आएगी ना, तो वो यानी यहाँ पर हम फिर एक स्टेट बना देंगे कंस्ट्रक्टर, और दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और फॉर्म का जो टेक्स्ट है सिर्फ वही है। तो मैं इधर इसको जो भी नाम दे आपकी मर्ज़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको आइटम टेक्स्ट बोल रहा हूँ, या टास्क टेक्स्ट दे दें, या जो भी देना चाहें, ये आपका स्टेट है, फिलहाल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। पूरा दर्जा आप अशे जोड़ोगे ना, चिकलम फॉर्म की एंट्री को आप दे स्टेट दे सकेंगे, ये दे सीधा, ठीक है, ये वो है। तो इसकी वैल्यू भी स्टेट से आएगी,
this dot state dot और task text, ठीक है। और इसका on change जो है वो हम handle change का एक वो बना रहे हैं function, तो और वो यहाँ पे बना देंगे। तो मैं इसको arrow function बना रहा हूँ, handles change को भी मैं arrow बना रहा हूँ ताकि वो this binding ना करनी पड़े, ठीक है। और handle submit का भी मैं arrow function बना रहा हूँ ताकि हमें वो ना करनी पड़े। और हैंडल चेंज का क्या है, इस पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे और स्टेट के अंदर हम अच्छा यहाँ ई ले आएँ ताकि वो आपके पास वो मिल जाए ना, आपको इवेंट ऑब्जेक्ट मिल जाए। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, टास्क टेक्स्ट दिस बल्कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ऐसे ही है ना। इसको सेव कर देंगे, अब ये कम्प्लीट हो गया। हैंडल सबमिट के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर हमने प्रॉप्स के थ्रू फंक्शंस को कॉल करना है, यानी इसने एक्चुअल काम इसने करना है, समझ आई है। तो ये हम कल लिखेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर आप इसको देखें, अच्छा इनपुट को क्लोज नहीं किया, वो तो चल पाए लाइन नंबर अगट लाइन है वो वाले भागने के। अच्छा हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड, आप खबर है ठीक देगा ना, बस दे दिए होंगे लमाजा ख़राब कर दिया जिसने दे। और ये फंक्शनल कंपोनेंट में है ही नहीं, ये मैं बनाऊंगा आपके लिए क्लास कंपोनेंट्स में और आप इसको फिर फंक्शनल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे हुनीस देखिएगी कहना जी पप्पल हम नहीं कड़ी भैया हुनीस देखिएगी, ठीक छुआ। मैं फंक्शनल कंपोनेंट सिखा दूंगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद ना सीख लें। अच्छा इसके साथ इस फॉर्म के साथ इस डिव के साथ मैं लिख भी दूंगा कि एक H1 में मैं लिख दूंगा कि एड न्यू टास्क, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा नज़र आएगा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। और बाकी डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग वाले बैक वही ठीक देखा ना, डिज़ाइनिंग पे हम एक डेढ़ महीने लगा चुके हैं ना, बस शुक्र है मैंने उधर आपसे कहा था जब अब यह डिज़ाइनिंग न करूँगा तो मैं नहीं कर रहा, समझ आई है। अभी मैं इसकी कोई डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा, आप करते जाएँ जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो। अच्छा ये तो ऐड कंपोनेंट हो गया, अभी ऐड कंपोनेंट फंक्शनल नहीं है ये याद रखें। हमने सिर्फ इतना किया है कि अगर आप ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पर हमारे पास अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो देखें टास्क टेक्स्ट का एक वो मौजूद है, एक क्या है स्टेट मौजूद है। और अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल वगैरह लेना है, तो अगर मैं इसमें कुछ लिखूँगा तो देखें ये स्टेट साथ में चेंज हो रहा है। तो ये हमने इतना काम अभी कर लिया है ताकि कंपोनेंट और स्टेट की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम रहे। तो अब इंटर दबाएंगे तो अब ऐड होगा ना, लेकिन फ़िलहाल वो फंक्शनल हमने नहीं किया, वो हम कल करेंगे। क्योंकि ऐड कराना किसका काम है, किस कंपोनेंट से ने असल में ऐड करना है, ऐप कंपोनेंट ने करना है, क्योंकि स्टेट किसके पास है, ऐप कंपोनेंट के पास है। तो यहाँ से ये टेक्स्ट हम वहाँ भेजेंगे तब वो ऐड होगा, और सिमिलरली फिर रीसेट का भी इसी तरह से करेंगे, ठीक था। तो ये दो इंशाल्लाह फिर हम कल सेट करेंगे, समझ सला पा किश्ता असल की टाइम आता पता था चिश्ता, तो अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर थोड़ा सा मसला बनेगा। आप चाहें तो अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, सूख सूख पके सुख हो रहा मुझे कोई चीज़ सीख। अच्छा आगा कोई चीज़ घंटा पहले ख़त्म हो, सभा छुट्टी कब हुई, हाँ ना ना हो रही हो रही, सभा पैदा सूख गई ना माते ब्याह खाई, ठीक था। कर तो सकते हैं, आपको मैंने करा दिया है कि स्टेट कैसे चेंज करेंगे। अब इसको फंक्शनल करें, इस पूरे ऐप को फंक्शनल करें। सुमरा तुम बके क्यों करो तुमरा, बस ठीक था बस उस सही। तो इसमें असल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वैसे भी कल छुट्टी है तो अभी आज आप आके यहाँ कर लें नख्त, क्या क्या हाल है, क्या ख्याल है। अच्छा तो सिंपल सी बात है, इसको इसमें अगर आपने ये दो चीज़ें भी सिर्फ कर ली कि हम यहाँ ऐड करें और इस लिस्ट में ऐड हो जाए, और हम इस रीसेट को क्लिक करें और ये पूरा वो कंपोनेंट जो है वो रीसेट हो जाए, तो ये दो भी कर लें तो भी काफ़ी है। और अगर आप अगेन अगर कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं तो अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो ये वो हो जाए, क्या है यहाँ मुझे ये ऐसे क्रॉस हो जाए। और एक बात मुझे भूल गई थी पिछले उसमें भी मुझसे भूल गई थी, वो ये है कि यहाँ हम एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते थे और हमने नहीं किया, और वो ये है कि इस ऐड कंपोनेंट के बिल्कुल ऊपर लिख दें H1 में बड़ा बड़ा कि टास्क टोटल टास्क कितने हैं, टोटल
टास्क जो हैं वो है दिस डॉट स्टेट डॉट क्या है टास्क डॉट लेंथ, ये टोटल टास्क हैं ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है यार यहाँ पे, क्या हमारे पास टोटल 5 टास्क हैं और जब हम डिलीट करते हैं तो यह ये डिलीट होता जाता है क्योंकि स्टेट की लेंथ कम होती जाती है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और वो होना चाह रहे हैं तो यहाँ एक H1 में लिख दें कि कंप्लीट कितने हैं और इनकम्प्लीट कितने हैं, दस ही लगा। तो ये मुझे बताइए मैं कैसे लिखूँ, हाँ बताएं मैं कैसे लिखूँ। टर्नरी ऑपरेटर से लिख सकते हैं बड़ी आसानी से मेरे ख्याल में, नहीं वो टर्नरी से नहीं, फिल्टर से मेरे ख्याल में कर सकते हैं, फिल्टर से कर सकते हैं। तो कैसे टास्क डॉट फिल्टर टास्क और इंडिविजुअल टास्क, अगर टास्क इज इक्वल टू क्या है कंप्लीट, अच्छा हाँ टास्क डॉट स्टेटस, अगर कंप्लीट है तो क्या करो उसका लेंथ फाइंड करो। तो मेरे ख्याल में अल्लाह करे डॉट लेंथ ठीक पर दीमा दिवस नंबर वेरिएबल जोड़ लो जरूरत बनेगी ना, सही देगा ना, यो कंप्लीट देगा ना, आओ करेगा ना 10 मिनट देखिएगी जैसे रन टाइम मान ले। और अगर इसको करना है इनकम्प्लीट को तो अभी तो आसान है, तो यहाँ लिख दें दिस डॉट स्टेट डॉट क्या है टास्क डॉट फिल्टर, उसको फिल्टर करेंगे। और अगर इंडिविजुअल टास्क को चेक करना चाहें तो हाँ ना ना मैं आप प्रैक्टिस को लगा सकिए टास्क डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल क्या है इनकम्प्लीट, तो उसकी डॉट लेंथ मुझे दो नोदावा चेनिंग देगा ना माता उसने खेले ना जी फिल्टर सर हमूँगा चेनिंग को लेकिन माँ के देश भी दे मारे कारों के ना बोला थोड़ा खिस्ता प्रॉपर ऐप जोड़ छो उड़ के उड़ के ठीक था ना। और दाला सिर्फ यो टू डू ऐप दे दा कुछ इतना सुधर था फोटो रखे मतलब उसके देश ही जाना मुझे और भी अंदर आ जाइए फिर फॉर सही देगा ना क्योंकि अच्छा ये तो वो प्ले ग्राउंड है। यहाँ अगर वो उस पूरे लिस्ट में देखें तो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं जिनको हम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो ये तो सिर्फ छोटा सा पहला वाला प्रोजेक्ट है। तो ये अब इसके बाद आप इसको आगे ले जाएं और इसके इसमें एडिशन करें और जी बटन पत्रू यो खबर है चिता सुकल अदल था ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट वाली गलो तो प्यादा एंटर बथरूम की, तो अगर अलग से बटन ना बनाए कोई मसला नहीं है आपके वैसे भी बटन से कुछ नहीं होना। अगर आप इंटर दबाते हैं तो हैंडल सबमिट का फंक्शन कॉल होता है, अब आप बटन दबाएं या इंटर दबाएं दोनों से हैंडल सबमिट का बटन का फंक्शन कॉल होगा ठीक है ना। तो आप अगर बटन ना भी डालें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है। तो इसमें इसको फंक्शनल करने की कोशिश करें कि इसके क्लिक होने से हमने असल में इसका ये स्टेटस चेंज करना है ठीक है ना। तो ये स्टेटस अगर चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा और ये अपनी जगह रहेगा, ये नहीं चेंज होगा ठीक है ना। तो इसको और फिर आपने विजुअलाइजेशन वगैरह करनी है तो एक क्लास असाइन करें, अगर इनकम्प्लीट है तो इसके लिए एक क्लास बनाएं और अगर कम्प्लीट है तो उसके लिए दूसरी क्लास बनाएं। तो क्लासेस बनाना भी तो इतना मुश्किल नहीं है, आपने इस्तेमाल किए ना, अगर आपने फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर स्टाइल्स डालने हैं, फ़र्ज़ कर लें मैंने इस H1 पे स्टाइल्स डालने हैं तो यहाँ मैं लिखूँगा स्टाइल और डबल करली ब्रेसिस में आप जो भी कुछ लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं रेड करना चाह रहा हूँ तो ये इनकम्प्लीट का जो कलर है वो आपको ऐसे रेड नज़र आएगा। तो ये आप इनलाइन स्टाइलिंग पे भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यानी मैं इस पे क्लिक करूं, तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, जब स्टेटस चेंज होगा तो इसको एक क्लास असाइन करें और जब स्टेटस दूसरा होगा तो दूसरा क्लास असाइन करें कंडीशनल रेंडरिंग ठीक है। तो ये भी आप कर सकते, नहीं तो फिर हम वैसे भी करेंगे इसको आगे लेके जाएंगे ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करने की कर लें कि सब हम नाराज हैं व्याम दाकड़ी बोरा कि नहीं व्याम मरा जाएंगे ठीक देगा ना। चलो बंद करें बस देखें।